हेलो गाइस, वेलकम टू डॉक्टर हिमालयन सोल। मैं आया हूँ आज अपने गांव और आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये है बगीचा। और गांव की सबसे जो बेस्ट चीज़ है वो है यहाँ का एक तो खुला एनवायरनमेंट, प्योर हवा, और रहते हैं यहाँ के फ्रूट्स। जी, यहाँ के जो सीजनल फ्रूट्स हैं जैसे कि एप्पल हो गया, एप्रिकॉट हो गया, अखरोट हो गए, और काफ़ी सारे ड्राई फ्रूट्स भी इसी में आप इंक्लूड कर। मैं आपको बताऊँगा कि जो चीर है यहाँ का लोकल फ्रूट, उसे हम कैसे पेड़ से निकालते हैं और कैसे उसकी हार्वेस्टिंग करते हैं। तो वीडियो को एंड तक देखते रहिए और चलते रहिए मेरे साथ पहाड़ों की सैर पे। अभी मैं जा रहा हूँ अपने कज़न तरु के साथ, और जो आप अपनी स्क्रीन पे अभी देख रहे हैं वो है कालो पास, जो कनेक्ट करता है चुराह वैली को लाहौल के साथ। अभी जून का महीना है और जो मक्की की ग्रोथ है वो आप अभी देख ही रहे हैं। बगीचे में पहुंचने पे बहुत सारे पेड़ देखने को मिलेंगे, जैसे कि सेब का, अखरोट का, बादाम का। बट अभी हम चलते हैं चीर के पेड़ की तरफ। पेड़ की हाइट तो नॉर्मल रहती है, बट जो इसका फ्रूट होता है वो ऊंची टहनियों पे ही लगता है। इसी वजह से वहां तक हाथ का पहुंच पाना मुश्किल होता है और हम मदद लेते हैं डंडे की। इसकी टहनियों पे काफ़ी कांटे भी रहते हैं, इसीलिए डंडे से मारकर जो चीर का फ्रूट है उसे नीचे ज़मीन पे गिराया जाता है। चीर को पेड़ से गिराने के बाद मैं और तरु भी लग जाते हैं इन्हें उठाने में। साफ साफ चीर के फ्रूट को हम छांट के उठाते हैं और बैग में इकट्ठा करते जाते हैं। चीर का सीजन खत्म होते ही शुरू होता है सेब और नाशपाती का सीजन। हालांकि सेब को भी पकने में थोड़ा टाइम लगेगा, बट जो नाशपाती है उसका साइज काफ़ी अच्छा हो चुका है। कुछ हफ्तों के बाद ही ये बिल्कुल रेडी हो जाएंगे और इसे खाने का मज़ा आप बिल्कुल ले सकते हैं। ये चीर खाने के लिए एकदम परफेक्ट है। गाइस, कुछ लोग चीर और खुमानी में काफ़ी कंफ्यूज होते हैं, तो मैं उन्हें बता दूँ कि चीर और खुमानी दोनों अलग अलग होते हैं। जो खुमानी होती है उसका साइज़ काफ़ी बड़ा रहता है और उसके स्वाद में भी थोड़ा डिफरेंस रहता है। हालांकि दोनों ही सेम एप्रिकॉट फैमिली से बिलोंग करते हैं। खुमानी को इंग्लिश में एप्रिकॉट ही कहा जाता है, बट चीर का इंग्लिश नेम मुझे नहीं मालूम। आपको मालूम है कि चीर को इंग्लिश या हिंदी में क्या कहते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताएं। जो हम चीर लेके आए थे उनको धूप में ऐसे काट के सुखाते हैं, जिसे हम लोकल भाषा में सुकड़ी कहते हैं। ये नानी ने यहाँ पे सुखाने के लिए रखी है। और ये चीर की गुठलियाँ हैं, इन्हें सुखा कर फिर इसके अंदर एक बादाम जैसा कुछ होता है उसे भी हम यूटिलाइज करते हैं, खाते हैं। तो ऑल ओवर देखा जाए जो चीर है उसका हर एक चीज़ जो है वो काफ़ी यूज़फुल है और काफ़ी न्यूट्रिशियस भी है।